करनाल की घरुंडा मंडी में किसानों का सोना पानी पानी हो गया है। आपको बता दें कि लेबर की भारी कमी के कारण किसानों व आढ़तियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको लेकर मंडियों में पड़ी गेहूं की ना तो समय पर भराई हो रही है और ना ही समय पर लिफ्टिंग हो रही है। किसानों व आढ़तियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि रविवार को सुबह हुई बारिश से खुले में पड़ी हुई गेहूं भीग गई है, जिससे गेहूं खराब होने के आसार है। किसानों का कहना है कि लेबर को लेकर मंडियों में भारी समस्या बनी हुई है। अधिकारियों से इस बारे में जब बात की जाती है तब अधिकारियों की तरफ से आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। वहीं गांव कैमला के किसान रणधीर ने बताया कि मंडी में बारिश के चलते किसी भी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं है और सारी गेहूं बारिश में भीग गई है, जिसको लेकर गेहूं खराब होने के कगार पर है। किसान ने कहा कि किसानों की 6 महीने की मेहनत खराब होने के आसार बने हुए हैं। वहीं किसान ने सरकार और अधिकारियों से मांग की है कि किसानों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। यदि किसान 6 महीने की मेहनत करके सोना उगाता है तो किसानों का सोना पानी में ना बहने दिया जाए। किसान ने यह भी कहा कि अगर गेहूं बारिश में खराब हो गया तो देश की जनता के लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। रणधीर बताइए, आप क्या लेकर आए थे मंडी में? लेकर आए थे जी। क्या बात हुई अभी? अभी बारिश होगी। अच्छा, तो कितना क्या नुकसान है इसमें भीगने से? हाँ, नुकसान तो है। अच्छा, गेहूं भीग गया। तो कोई यहाँ पर कोई किस तरह की सुविधा थी नहीं? कोई सुविधा यहाँ तरपाल की सुविधा कम है जी। सुविधा मंडी में होनी चाहिए, वो बहुत कम है जी। तो आठ दिन को सीधा जी आठ भी अभी बारदाना नहीं रख सकते, पूरा रखना चाहिए। दिक्कत हुई है इससे? हाँ, दिक्कत तो है, अनाज खराब हुआ है। कौन से गांव से हो? कैमला के जी। कैमला। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.